शहर में कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन शहर में कोरोना मरीज भी भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं। संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत पूरे राज्य में लॉकडाउन किया गया है। इसी के मद्देनजर शहर के मेडिकल चौक पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने। आइए डालते हैं एक नजर। आज हम मेडिकल चौक पे खड़े हैं और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त हमें दिखाई दे रहा है। गाड़ियों की जो है चेकिंग की जा रही है। हमारे साथ इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुंद सारुंग है, उनसे हम जानते हैं कि आज जो इतना तगड़ा बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है, क्या पूरा कारण है? हर रोज़ यहाँ बंदोबस्त रहता है, आज कड़ाई से चेकिंग हो रही है, क्या बताओगे? नहीं, ये आज का नहीं है, ये रोज़ का है, रूटीन रहता है। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 1 बजे तक कड़क नाकाबंदी रहता है, बाद में दोपहर में 4 बजे से तो 8 बजे तक रहता है, और नाइट का फिर अगला टीम आता है तो नाइट में भी नाकाबंदी रहता है। तो आज का विशेष यह है कि हमारे सीपी साहब, माननीय सीपी साहब ने बताया कि थोड़ा इंटेंसिफाई करो, तो करके सब ऑफिसर्स डीसीपी साहब से लेकर सीनियर पे आए तक सब अभी रोड पे है। और मैंने तो मैक्सिमम जितने ऑफिसर अवेलेबल थे, 5 ऑफिसर और मैं खुद यहाँ पे खड़ा हूँ 4 बजे से, हमारे माननीय जौनपुर साहब भी आके गए। तो ये गवर्नमेंट का जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ब्रेक द चेन, तो वो उसमें हमारा योगदान रहे पॉजिटिव, तो हम हमारी तरफ से तो पूरा कोशिश कर रहे हैं। मैं तो पब्लिक को यही आह्वान करूँगा कि बेवजह बिना काम का बाहर मत निकलो, क्योंकि मैं 15 दिन से देख रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे उठपटांग कुछ भी रीज़न दे रहे हैं जो मन में अच्छा नहीं लगता है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह कड़ाई से जो है चेकिंग होने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अश्योर करता हूँ ये जब तक लॉकडाउन रहेगा यही चलता रहेगा। थैंक यू। तो लॉकडाउन जब तक है, ब्रेक द चेन के माध्यम से जो है इसी तरह की कड़ाई से चेकिंग जो है आवाजाही करने वाले लोगों की होने वाली है, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो ना बढ़े और कोरोना संक्रमण थमने में कुछ हद तक हमें इसका उपयोग हो सकता है, ऐसा भी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सारुंग के इनका कहना है। कैमरा पर्सन माइक्रो रामपुरे के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।